फार्मर के घर पे और दिखाएंगे आपको एक जानवर भैंस है, इसकी कंडीशन और इसकी मुकम्मल हिस्ट्री देंगे आपको और दिखाएंगे और इसके साथ साथ इसके साथ फर्स्ट एड इन्होंने क्या किया और जो उसके बाद जो इसकी एमरजेंसी जो सूरत हाल थी उस वक्त उस कंडीशन में इन्होंने जो डॉक्टर ने आके कौन सा ट्रीटमेंट किया तो बताते हैं हम आपको और दिखाते हैं मुकम्मल तौर पे इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे भाई लियाज से कि जो इस वक्त इस भैंस के मालिक हैं। सबसे पहले तुम्हें की बता सी अच्छा। सबसे पहले इसको ये जब बाहर चराई करवा रहे थे तो अचानक इसके पेट में दर्द हुआ। पेट में जब दर्द हुआ तो उन्होंने फौरी अचार का, बार दफ़ा ऐसे होता है कि फ़र्स्ट एड मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं तो फार्मर हजरात जो होते हैं जानवर को अफारा हो जाता है तो वो फौरी तेल, ये एक फर्स्ट एड चीज़ है, या अचार होता है, ये भी घर पे चीज़ मौजूद होती है वो अपनी तसल्ली के लिए ताकि कोई ना कोई उसको अफाका हो डॉक्टर से आने से पहले। तो इस वक्त इसके पेट में दर्द हुआ, एब्डोमिनल पेन थी जिसकी वजह से ये जानवर बार बार मतलब कि लेट रहा था, दर्द बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहा था। तो फिर इन्होंने डॉक्टर को कॉल की, रात कितने बजे का टाइम था, रात 9 बजे का टाइम था। डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर ने आके फिर इनको जो ट्रीटमेंट किया इसका ट्रीटमेंट किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने इसको कीटोब्रूफन का इंजेक्शन लगाया, फिर उन्होंने लासिक साथ लगाया फ्रोसामाइड और लगा के उन्होंने ड्रिप भी साथ लगाई थी। हाँ जी, एक ड्रिप लगाई उन्होंने डेक्सट्रोज, और डेक्सट्रोज में उन्होंने कीटोजेक्ट उन्होंने इंट्रामस्कुलर दिया और डेक्सट्रोज ड्रिप लगाई जिसमें उन्होंने बीसी यानी कि बी कॉम्प्लेक्स वगैरह और एट्रोपिन सल्फेट वगैरह इसको ड्रिप में डाल के इसको इंट्रावेनस किया। तो उसके बाद इसकी पेन जो एब्डोमिनल पेन थी वो कवर नहीं हुई। जब इसकी पेन कवर नहीं हुई तो रात 2 बजे का टाइम था, फिर इन्होंने जब मालिक इस कंडीशन में जानवर होता है तो मालिक बहुत परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने फिर एक और जो इनके तलक वाले आदमी थे उनसे रابطہ किया और एक डॉक्टर आए, उन्होंने भी आके फिर इसका ट्रीटमेंट किया। उन्होंने इसको पेंसिलिन ग्रुप का इस्तेमाल किया, 5 ग्राम लगाया। जब हम सुबह फर्स्ट टाइम आए तो हमने देखा तो उनकी जो पर्ची थी उन पर मैंशन किया हुआ था, एक इंजेक्शन था 5 ग्राम इंजेक्शन और कॉलिक जो होती है वो हर्बल मेडिसिन है जो पेट दर्द के लिए वो इस्तेमाल की जाती है, तो आफर के लिए भी वो इस्तेमाल की जाती है, हमने देखा तो वो मेडिसिन। मगर बाद में हमने फिर इसके लिए जो मेडिसिन रिकमेंड की वो अभी हम आपको दिखाते हैं। हमने फिर इसको हेपागन इंजेक्शन, कीटोप्रूफन और MEYKM इंजेक्शन लगाया, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। हेपागन इंजेक्शन जो टेम्पनी के लिए और जिगर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, लीवर का जो मसला हो उसके लिए और जो मैदे का कोई भी मसला हो, कब्ज़ हो, उसके लिए ये इंजेक्शन बहुत इफ़ेक्टिव है। और दुनिया में हेपागन जो फार्मूलेशन है इससे ऊपर इन चीज़ों के लिए यानी कि इंटेस्टाइनल हो गया जो डिजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल जो होता है उसके लिए ये वेरी इफ़ेक्टिव इंजेक्शन दिस हेपागन इंजेक्शन। और साथ जो इसको पेन किलर जो इंजेक्शन दिया गया इसके पेट दर्द के लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए, कीटोप्रूफन का हमने इस्तेमाल किया, कीटोप्रूफन जो लीड्स कंपनी का इंजेक्शन है। तो इसको हमने फिर इसकी थोड़ी सी ओवरडोज़ की 20 ml जो सुबह, 20 ml शाम, हमने फिर इसको सुबह शाम इसकी डोज रिपीट की। और फिर इसकी जो टेम्पनी जा फिर भी इसकी जो टेम्पनी जो है पेट की और जो थोड़ा बहुत इसको दर्द फील होता था, तो आइए हम आपको दिखाते हैं जानवर की। अभी भी ये बहुत परेशान है, ये परेशानी की हालत में बैठा हुआ है क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ हो चुका है। जैसे ही भैंस जो है परेशान होती है तो मालक की परेशानी भी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो फिर हमने फिर ऐसा किया कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर जो होता है अक्सर लोग कह देते हैं ओगू जो मसला बन गया है। ओगू क्या होता है? ओगू जो एक दिल का अटैक होता है और उसमें जो होता है बाज़ दफ़ा जानवरों की जो डवर्मिंग नहीं की जाती तो उसमें जो पेट के जो कीड़े होते हैं, पेट के कीड़ों में जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, टेप वर्म वगैरह होते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसमें जो है वो अपना काम करते हैं जिसकी वजह से जानवर के पेट का दर्द ख़त्म नहीं होता। फिर हमने इसको डी वर्म गोल्ड, प्रिक्स कंपनी की डी वर्म गोल्ड है जो 100 ml की पैकिंग होती है, उसको हमने ओवरडोज करके इसको 200 ml में इसको दे दी ताकि इसको डायरिया लगे।
और ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिसोल में भी दे सकते हैं, मगर इस वक्त जो हम फील्ड में हमें रिजल्ट आ रहा है इस वक्त डीवर्म गोल्ड का आ रहा है। बहुत जगह पे ऐसे हुए कि जानवर जो है उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, जानवर मैदे से रुक जाते हैं, तो हम जो डीवर्म गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं जानवर फौरी चालू हो जाता है, यानी कि उसका पखाना आना शुरू हो जाता है, मोक उसको लग जाती है। डीवर्म गोल्ड भी दी हमने तो उसके बावजूद भी इसको उसकी टाइमिंग हमारे जो माइंड में थी 8 घंटे का जो टाइम था इस तरफ से हमारे पास 8 घंटे का टाइम था, और 8 घंटे के अंदर अंदर हमें उम्मीद थी अल्लाह ताला से कि ये जानवर अब इसको जो मोक लग जाएगी ये छूट जाएगा, मगर 8 घंटे से भी अबव टाइम हो गया जिसकी वजह से इसको मोक नहीं लगी, ये जानवर अंदर से मुकम्मल तौर पर खुला ही नहीं बल्कि मोक लगी ही नहीं। फिर हमने भाई न्याज से कहा कि एक पूड़ी हमारे पास है, हमने फिर लिक्विड पैराफिन की बोतलें मंगवाई, और दोबारा फिर हमने हेपागन मंगवाया, और उसके बाद ये कीटोप्रूफन की डोज मंगवाई ताकि रिपीट करे फिर उसी ट्रीटमेंट को, और साथ अजाफी जो चीज़ हमने मेंशन की वो लिक्विड पैराफिन गाय का दूध लेके 2 किलो दूध में 2 बोतलें हमने 300 ml की एक बोतल 600 ml की 2 बोतलें हमने इसको इस्तेमाल करवाई, और उसमें ये हुआ लिक्विड पैराफिन देने के बाद जानवर ने कल जो पखाना आना इसका शुरू हो गया। अभी हम आए हैं इस केस पर, देखें ये अभी ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर से गोबर निकाल रही है, तो अब इसकी एक डोज रह गई है, और हेपागन हमने 100 ml मंगवाया है, 50 ml अब देंगे, और दोबारा इवनिंग टाइम पे आके हम इसको डोज रिपीट करेंगे, और दूसरी डोज हम इवनिंग टाइम पे लगाएंगे 50 ml अब और 50 ml जो है इवनिंग टाइम पे, तो साथ हम लगाएंगे इसको ताकि वीकनेस ना हो सके, एमीबाइकेम इंजेक्शन और कीटोप्रूफन का अभी भी इस्तेमाल करेंगे, तो लगाते हैं और करते हैं इनको इसको जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कीटोप्रूफन जो है 20 ml इंट्रामस्कुलर, अभी ये मुकम्मल तौर पे दोबारा इसने अंदर से गोबर निकाला है, इसको कीटोप्रूफन का इंजेक्शन अभी दिया, वो डर की वजह से ही, कोई इंजेक्शन तो इतनी जल्दी फौरी असर तो नहीं करता, मगर ये कीटोप्रूफन ऐसा इंजेक्शन है जो 5 मिनट के बाद इसका असर होना शुरू हो जाता है, कीटोप्रूफन इंजेक्शन ऐसा है इंजेक्शन है जो 5 मिनट बाद इसका असर शुरू हो जाता है, जो पूरी बॉडी की रिलैक्सेशन के लिए होता है। बड़ी स्मेल आ रही है इसके गोबर से, बहुत स्मेल आ रही है, ये इसका गोबर है जी, बहुत स्मेल आ रही है, खड़ा नहीं होया जा रहा, अगला वंगा लाओ जी, अगला वंगा लाओ, कल तो बड़ी टीम से थे आज बंदा ही कोई नहीं। हेपागन 50 ml 25 ml एक साइड पे और 25 ml दूसरी साइड पे, MEYKM लीड्स कंपनी का, ट्वेंटी ml अब जी हम इवनिंग टाइम पे इसकी डोज रिपीट करेंगे, और अब हम इसको जो मेडिसिन आगे देंगे वो हम कार्बिनेटेड मिक्सचर या एल्बिजस्ट पाउडर देंगे ताकि ये इसका मैदा वर्क करना शुरू करे और ये जगाली करे और चारा खाना शुरू करे। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में अगले फार्मर के पास, और देखते हैं और देखते रहिएगा हमारा चैनल, और देखते हैं नेक्स्ट केस और उसकी कंडीशन जाके देखते हैं, मिलते रहिए, देखते रहिए, ओके।